पहले भटूरे को फुलाने के लिए उसने ENO डालिए, फिर भटूरे से फूले पेट को पिचकाने के लिए ENO पीजिए। जीवन के कुछ गूढ़ रहस्य आप कभी नहीं समझ पाएंगे। पांचवी तक स्लेट की बत्ती को जीप से चाटकर कैल्शियम की कमी पूरी करना हमारी स्थायी आदत थी, लेकिन इसमें पाप बोध भी था कि कहीं विद्यामाता नाराज न हो जाए। पढ़ाई के तनाव हमने पेंसिल का पिछला हिस्सा चबाकर मिटाया था। पुस्तक के बीच पौधे की पत्ती और मोरपंख रखने से हम होशियार हो जाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास था। कपड़े के थैले में किताब कॉपियां जमाने का विन्यास हमारा रचनात्मक कौशल था। हर साल जब नई कक्षा के बस्ते बंधते तब कॉपी किताबों पर जिल्द चढ़ाना हमारे जीवन का वार्षिक उत्सव मानते थे। माता पिता को हमारी पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं थी, न हमारी पढ़ाई उनकी जेब पर बोझा थी। सालों साल बीत जाते पर माता पिता के कदम हमारे स्कूल में न पड़ते थे। एक दोस्त को साइकिल के बिच वाले डंडे पर और दूसरे को पीछे कैरियर पर बिठा हमने कितने रास्ते नापे हैं, यह अब याद नहीं, बस कुछ धुंधली सी स्मृतियां हैं। स्कूल में पिटते हुए और मुर्गा बनते हमारा ईगो हमें कभी परेशान नहीं करता था। दरअसल हम जानते ही नहीं थे कि ईगो होता क्या है। पिटाई हमारे दैनिक जीवन की सहज सामान्य प्रक्रिया थी। पीटने वाला और पिटने वाला दोनों खुश थे। पिटने वाला इसलिए कि हमें कम पिटे, पीटने वाला इसलिए खुश होता था कि हाथ साफ हुआ। हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हमें आई लव यू कहना आता ही नहीं था। आज हम गिरते संभलते संघर्ष करते दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं, कुछ मंजिल पा गए हैं तो कुछ ना जाने कहां खो गए हैं। हम दुनिया में कहीं भी हों, लेकिन यह सच है, हमें हकीकतों ने पाला है, हम सच की दुनिया में थे। कपड़ों को सिलवटों से बचाए रखना और रिश्तों को औपचारिकता से बनाए रखना हमें कभी आया ही नहीं। इस मामले में हम सदा मूर्ख ही रहे। अपना अपना प्रारब्ध झेलते हुए हम आज भी ख्वाब बुन रहे हैं। शायद ख्वाब बुनना ही हमें जिंदा रखे है, वरना जो जीवन हम जीकर आए हैं उसके सामने यह वर्तमान कुछ भी नहीं। हम अच्छे थे या बुरे थे, पर हम सब साथ थे। काश वो समय फिर लौट आए। एक बार फिर अपने बचपन के पन्नों को पलटिए, सच में फिर से जी उठेंगे।